एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं अभी रियाद में हूँ और रियाद से मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। मैंने रियाद से लोड किया है जीजान के लिए। जो रियाद से जीजान का जो सफ़र है वो 1700 किलोमीटर का सफ़र है। तो आइए चलते हैं एक नए सफ़र पे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अभी टाइम हुआ है, रात के 10 बजे हैं और रियाद से जो है नो एंट्री छूट चुकी है। तो अभी रियाद क्रॉस करने में तकरीबन एक घंटा तो लग ही जाना है, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हो काफ़ी जाम है रोड पे, बहुत से लोग जो है अपनी गाड़ी जा रही है। मेरे आगे जो ये गाड़ी जा रही है, कार कैरियर का जो एक ट्रेलर है, ये अपनी ही कंपनी का ट्रेलर है। तो ये भाई जाएगा जद्दा और मैं जाऊंगा जीजान। जद्दा तक हम दोनों रहेंगे साथ। तो इसने 4 गाड़ियां लोड की हैं, सिर्फ नीचे की साइड पे लोड की है, ऊपर से वो खाली है। इस पर 8 गाड़ियां लोड होती हैं। भाई ये जो रियाद सिटी है ना, यहाँ आप किसी भी टाइम आ जाओ, एनी टाइम आपको इसी तरह का जाम मिलेगा। और रियाद में आप किसी भी रोड पे चले जाओ, इस तरह का ही जाम होता है, ये देख सकते हो। और सबको इतनी जल्दी है कि अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। तो इस जाम ने ना हमारी जान ले ली यार, कसम से। 10 मिनट के रास्ते में हमको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इससे पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, समझ से बाहर है ये। तो ऐसा लगता है कि रियाद में रहने वाले लोग वेले हैं बिल्कुल, ऐसा लगता है कि कोई काम ही नहीं है इनको। गाड़ी उठाते हैं अपनी और रोड पे आ जाते हैं और फिर लग जाता है जाम। याद वालों भाई थोड़ा घर में भी रहा करो। एक फ्लाई ओवर के ऊपर से आप देख सकते हो रियाद का नज़ारा। इधर देखिए साइड में, किसी भी रोड पे आप चले जाओ इसी तरह का जाम मिलेगा। ये नहीं कि मेन रोड पे, किसी भी रोड पे। इधर देखो, रियाद सिटी से बाहर आ चुका हूँ और रियाद से बाहर निकलने में पूरा 1.5 घंटा लगा है। इतना जाम था कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, बहुत ज़्यादा जाम था, उसकी वजह से बहुत टाइम यार बर्बाद हो गया। तो अब अपना हो गया सोने का टाइम, थोड़ा गाड़ी और चला के हम फिर सो जाते हैं। मैं जिल्ला पहुंच चुका हूँ और अभी मुझे गाड़ी में भराना है डीजल, तो इसलिए पहले चलते हैं पेट्रोल पंप पे, डीजल भरा के फिर सोते हैं आराम से। ये सास्को का पेट्रोल पंप है, इसी पर डालते हैं डीजल। रात को डीजल डालने का फ़ायदा ये है कि सुबह में आप अगर किसी पेट्रोल पंप पे जाओगे तो भीड़ कुछ ज़्यादा मिलती है। अभी देखो कोई नहीं है, सिर्फ एक बस खड़ी है और हम अपनी गाड़ी इधर लगाते हैं। डीजल डल चुका है गाड़ी में 430 रियाल का और ये 565 लीटर है। तो डीजल का जो रेट है यहाँ पे 76 रियाल का है, 100 लीटर डीजल है। डीजल भरा लिया है गाड़ी में और अभी उसको 1 घंटा और गाड़ी चलानी है, उसके बाद जाके बस सिर्फ सो ही जाना है। अभी आगे ये बोर्ड आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना किलोमीटर क्या बाकी रह जाता है। जद्दा रह जाता है 830। आज मेरा सोने का टाइम थोड़ा जल्दी हो चुका है, अभी रात के 12:50 हुए हैं और मैं सोने के लिए पार्किंग में एंट्री कर चुका हूँ। कल रात को मैं सही से सो नहीं पाया, इस वजह से आज मुझको सवेरे सोना पड़ रहा है।
इसकी वजह से थोड़ा जल्दी सोना है आज, कल रात को सो नहीं पाया था। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी की है और सामने मैंने देखा है तो सामने खड़े हैं गधे। सऊदीया में वैसे जानवर देखने को कहीं पे मिलते नहीं हैं, लेकिन पता नहीं ये गधे कहाँ से आ गए। इधर जाल भी लगा हुआ है पार्किंग के चारों तरफ और जाल के उस पार ये पूरा जंगल है, पता नहीं कहाँ से आ गए। ये तो रोड पे भी जा सकते हैं, एक्सीडेंट भी करा सकते हैं। इधर तो कुछ है भी नहीं इनको खाने के लिए, जंगल में भी कुछ नहीं है, सूखा जंगल है, रेत है और पहाड़ है बस। और इधर तो प्लास्टिक का कचरा ही पड़ा हुआ है सब, शायद उसी को ही खा रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच, पाँच है भाई साहब। रात में सोया था 1 बजे, रात में जल्दी सो गया था और दिन के मुकाबले, और सुबह भी मैं जल्दी उठ गया हूँ। सुबह उठा हूँ मैं 9 बजे और नाश्ता करके मैं 9:30 बजे वहाँ से मैं चल दिया था। और अभी जो यहाँ से जद्दा बाकी है वो 550 किलोमीटर जद्दे का सफ़र रह जाता है यहाँ से, और मुझको जद्दा में जाके 1 दिन रुकना है और उसके बाद निकलना है मुझे जीजान के लिए। जद्दा में इसलिए रुकना है क्योंकि कल जुमेरात है और परसों जुमा है, और मैं अगर अब से पूरी रात गाड़ी चलाऊं और कल को फिर मुझको शाम तक ही गाड़ी चलानी पड़ेगी तो गाड़ी खाली होगी नहीं, क्योंकि जुमे की छुट्टी होती है। जुमे को वो जो जिस कस्टमर का ये लोड है वो कस्टमर मुझको वहाँ पे जुमे के दिन मिलेगा ही नहीं, तो मुझको वहाँ पे 1 दिन रुकना पड़ेगा। इसलिए मैं 1 दिन अपने कंपनी में ही रुक के जाऊँगा। आज रात को मैं जद्दा पहुँचूँगा और कल का पूरा दिन जद्दा में गुजारूँगा, और जुमे के दिन भी मैं दोपहर तक कंपनी में ही रुकूँगा। दोपहर के बाद मैं निकलूँगा फिर अपनी कंपनी से, वहाँ से जो जद्दा से जीजान का सफ़र है वो 700 किलोमीटर का सफ़र है, तो दोपहर को मैं निकलूँगा वहाँ से और रात तक मैं जीजान। भाई मेरे आगे जो एक ट्रेलर जा रहा है, इस भाई ने लोड किया है पूरा एक मकान, मकान टाइप ही कुछ है। हिम्मत मानता हूँ मैं ऐसे ड्राइवरों की जो इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि इस तरह का लोड करने के बाद में आपको साइड ग्लास में पीछे का कुछ नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेलर से ना ये जो इसने लोड किया है ट्रेलर से दोनों साइड को ये 1-1 फीट बाहर निकला है, तो इसमें तो अंदाजे से ही गाड़ी चलानी होती है। पीछे का अगर नज़र ना आए भाई मुझे तो मुझसे तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। साइड गिलास में पीछे का क्लियर दिखना ज़रूरी है। अभी दोपहर के 12:15 बजे हैं और बाहर का जो मौसम टेम्परेचर हुआ है 34 सेल्सियस डिग्री, यानी अच्छी खासी गर्मी है। और गर्मी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जंगल बिल्कुल सूखा है, कोई घास नहीं है, कोई पेड़ पौधे है ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ बारिश ना के बराबर होती है और पूरा जंगल बिल्कुल सूखा है। जंगल में सिर्फ रेत और पत्थर है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई नहीं, गाड़ी के अंदर एयर कंडीशन है, गाड़ी के अंदर का मौसम काफ़ी कूल है। अभी मैं पहुँचा हूँ हुमियात, तो यहाँ पे रुका हूँ मैं खाने के लिए। खाने का टाइम हो चुका है, दोपहर का 1 बज चुका है। तो ये सामने जो है यहाँ पे एक ये होटल है, तो यहीं पे मैं चलता हूँ अभी खाने के लिए। होटल के सामने से रोड का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये इस साइड पे ये मेरी गाड़ी खड़ी है और इधर ये रोड जाता है रियाद और ये इधर जाता है जद्दा। तो यहाँ से जद्दा बाकी है अभी 550 किलोमीटर और रियाद बाकी है 450, यानी 1000 किलोमीटर का यहाँ से ये सेंटर ही समझो बस।
और ये सामने ये इधर होटल है और इधर कुछ दुकानें हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है और आगे टायर पंचर की दुकान है और ये ग्रोसरी स्टोर है। तो अभी चलते हैं खाना खाते हैं। ये होटल है, अंदर से काफ़ी अच्छा बनाया है होटल। यहाँ पे बैठ के मैं अभी खाना खाऊंगा। तो भाई अभी खाने के लिए होटल पे बैठा हूँ और खाना आ चुका है। ये सादा चावल है उबला हुआ और ये इधर ये सूप है और ये इधर सब्ज़ी है और ये सलाद है, इसमें खीरा और प्याज और एक हरी मिर्च है और ये मटन है और इधर ये एक रखी है कोल्ड ड्रिंक मिरिंडा। तो चलिए खाना खाते हैं। खाना हो चुका है और अब मैं आ चुका हूँ अपनी गाड़ी के पास। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरी गाड़ी पे लोड क्या है। तो लोड अपनी गाड़ी पे ये एक डायना है जो कि एक वाटर कंपनी की डायना है। इसमें पानी लोड होता है, जो पानी के कार्टून है वो लोड होते हैं और फिर वो सप्लाई होते हैं सुपरमार्केट में। ये पुरानी गाड़ी है तो इसलिए इसके ब्रेक पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हमने आगे वाले टायर के दोनों के आगे सपोर्ट लगाया है, व्हील स्टॉपर लगाया है और इसी तरह जो पीछे के टायर हैं उन दोनों पे भी इस तरह ये लगाया है। एक यहाँ पे है, एक उधर है और जंजीर भी दोनों टायर को लगाया है, काफ़ी मजबूत करके जंजीर लगाई है और इसके एक सपोर्ट इसके पीछे है और उस टायर के पीछे भी एक सपोर्ट है। तो काफ़ी मजबूत तरीके से गाड़ी को बांधा है। तो आइए अब चलते हैं अपने सफ़र पर। अभी 500 किलोमीटर यहाँ से जद्दा बाकी है। अभी जद्दा रह जाता है यहाँ से 375 किलोमीटर और यहाँ से 25 किलोमीटर बाद एक गांव आएगा जिसका नाम है मोया। कुछ देर के लिए मुझे वहाँ पे रुकना है, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद जद्दा के लिए निकल जाना है। अभी धूप बहुत तेज़ है इसलिए थोड़ा अभी रुकने का मन है। तो चलिए वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलते हैं आगे। ये मोया क्रॉस करने के बाद में एक पेट्रोल पंप है, कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और तो मैं यहाँ पे रुका था कुछ देर के लिए, तो अब यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है। बस चलने से पहले एक चाय लेनी है अभी, फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ से। ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है इसलिए इस वीडियो के हम छोटे छोटे 3 पार्ट बनाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो आगे की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।